हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए सम्मान निधि से जुड़ा अपडेट जानेंगे, कर्मचारियों के लिए पीएफ से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आया है, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी दो जरूरी अपडेट खबरें आई है। साथ ही अलर्ट करने वाली खबरें भी जानेंगे और बेहद ही चौंका देने वाली काम की बड़ी खबरें भी है। कुल मिलाकर वीडियो में आपको मजा आने वाला, पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। अना तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज योग निंद्रा से जागेंगे पालनहार। जी हाँ दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आज देव उठनी एकादशी है। हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए योग निंद्रा में चले जाते हैं और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। यानी इन 4 महीनों में देव शयन हो जाने के कारण समस्त मांगलिक कार्य भी वर्जित होते हैं और आज देव उठनी एकादशी पर जब देव जागते हैं तब मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्यान होने के कारण ही इसको देवोत्यान एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है और शास्त्रों में आज के दिन का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी की शुरुआत 11 नवंबर की शाम 6:42 से शुरू हो गई है, जबकि इसका समापन आज 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। आज के दिन भगवान विष्णु जी का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र का जाप भी करना चाहिए। आज तुलसी माता को आप लाल चुनरी भी जरूर चढ़ा सकते हैं और माँ तुलसी के आज दिया जलाएं, भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। आज देव उठनी एकादशी से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाएगी। इस बार नवंबर और दिसंबर के 51 दिनों में शादियों के केवल 19 मुहूर्त हैं। इस कारण मैरिज गार्डन, शादी के हॉल, घोड़ी, डीजे, कैटर्स वगैरह की भी बुकिंग हो चुकी हैं। वहीं आपको बताएं आज गंगा महोत्सव की शुरुआत मंगलवार से, यानी देव दीपावली के लिए गंगा के घाट रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठे हैं। गंगा महोत्सव की शुरुआत मंगलवार से 80 घाट पर होगी। उत्तराखंड का लोक पर्व इगास आज मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व इगास की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी लोक संस्कृति और परंपरा देव भूमि की पहचान है और हमें इसे संजोए रखना है, इसके संरक्षण के लिए हम सभी को आगे आने की जरूरत है। चलिए अब खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देख सकते हैं। गृह मंत्रालय का एनजीओ के लिए नोटिस जारी हुआ है, कहा कि धर्म परिवर्तन विकास विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ऐसे गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ जो विकास विरोधी गतिविधियों में धर्म परिवर्तन, दुर्भावनापूर्ण इरादे से विरोध प्रदर्शन भड़काने, आतंकवादी या कट्टरपंथी संगठनों से संबंध रखते हैं तो उनका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिस भी जारी कर दिया है। एनजीओ वालों के लिए बड़ा अपडेट है। अना और पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, हमें मिलकर उन्हें रोकना है। संत महात्माओं ने हमारी पहचान को पुनर्जीवित किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को स्वामी नारायण मंदिर के 200वें वर्षगांठ कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। पीएम मोदी ने गुजरात के वड़ताल धाम में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हमारी विरासत के हजारों साल पुराने केंद्रों का गौरव लौट रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए। पीएम मोदी बूथ कार्यकर्ताओं से बोले कि असली चुनाव आप लड़ रहे हैं, हमारे संकल्प पत्र से कांग्रेस JMM की नींद उड़ी हुई है, थाली बजाते गीत गाते हुए मतदान करने जाए। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया है। वहीं आपको बताएं पीएम मोदी की आज महाराष्ट्र के चिमूर और सोलापुर में रैली होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर यानी बुधवार को बिहार के दरभंगा भी पहुंचेंगे और यहां पे पीएम मोदी एम्स का शिलान्यास करेंगे। हाईवे, रेलवे स्टेशन समेत कई बड़े तोहफे मिलेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 13 नवंबर को बिहार को 10,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। वही देखिए, RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बनी, दुनिया शांति के लिए भारत की ओर देख रही है पर कुछ लोग अड़ंगा डाल रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बनी हुई है। संघ प्रमुख ने एक बार फिर कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। वही देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस बन गए, 6 महीने का कार्यकाल रहेगा। सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें शपथ दिलाई। चलिए बड़ी खबर देखिए, ब्राजील, गुयाना और नाइजीरिया की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, G20 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा की शुरुआत 16 नवंबर को नाइजीरिया से होगी। ब्राजील में 18 से 19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें पीएम मोदी भाग लेंगे। वहीं खबर है कि जर्मनी में होगी News9 ग्लोबल समिट, पीएम मोदी समेत यहां पर भी देश और दुनिया के कई दिग्गज शिरकत करने वाले हैं। TV9 ग्रुप की News9 ग्लोबल समिट इस बार जर्मनी में होने वाली है और इसमें भी कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें भारत और जर्मनी के बीच विकास पर भी मंथन होगा और यह आयोजन 21 से 23 नवंबर तक चलेगा। 22 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी समिट को संबोधित भी करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, मंदिर हमले में कनाडा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष। भारतीय मूल के वकील ने याचिका दी है, बोले कि कोर्ट जांच करवाएं, खालिस्तानी प्रदर्शन पर प्रतिबंध की मांग की गई है। वहीं बड़ी खबर देखिए, कुंभ में ऐसा करेंगे नक्शे से पाकिस्तान का निशान मिट जाएगा, राम भद्राचार्य ने कहा। राष्ट्र की चिंता संत करता, परिवार वाला भक्त नहीं। जयपुर में चल रही रामकथा में जगतगुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि देश की चिंता संत कर सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, शिगेरू इशिबा जापान
जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। विपक्षी नेता योशिहिको नोदा को 221-160 से हराया, बहुमत से फिर भी पीछे। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बन गए। सोमवार को जापान की संसद ने उन्हें अगले प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है। वहीं आपको बताएं, मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 11 उग्रवादियों को मार गिराया। सीआरपीएफ चौकी पर यह हमला करने के लिए पहुंचे थे, एक जवान भी घायल हो गया। वहीं 5 स्थानीय लोग भी लापता बताए जा रहे हैं। मणिपुर के जिरीबाम जिले में सोमवार को सीआरपीएफ जवानों ने एनकाउंटर में 11 कुकी उग्रवादियों को मार गिराया, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। वहीं इसके बाद फिर यहाँ इलाके में तनाव है। कुकी संगठन ने बंद भी बुलाया। जिरीबाम जिले में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। साथ ही आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल भर पटाखे बैन करने पर फैसला लें। कोई धर्म प्रदूषण फैलाने को बढ़ावा नहीं देता। दिल्ली सरकार को 25 नवंबर की डेडलाइन दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली में साल भर पटाखा बैन पर 25 नवंबर से पहले फैसला ले लिया जाए। दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट के सामने कहा था कि हम पटाखा बैन को पूरे साल लागू करने का फैसला सभी संबंधित विभागों से सलाह के बाद लेंगे। वहीं देखिए, जीएसटी रिटर्न से जुड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, अब एसएमएस से दाखिल हो सकता है जीएसटी रिटर्न। छोटे कारोबारियों के लिए खुशखबरी है, अब आप एसएमएस के जरिए भी जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जीएसटी काउंसिल ने सुविधा केवल नील यानी एनआईएल जीएसटी भरने वाले कारोबारियों के लिए शुरू की है, और इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको बस 14409 पर एक एसएमएस भेजना होगा। संदेश भेजते ही कारोबारी के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वहीं बड़ी खबर देखिए, राहुल ने आई लव वायनाड लिखी टी शर्ट पहनी। बोले कि वायनाड ने इतना स्नेह दिया कि मैंने राजनीति में प्यार शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। बड़ी खबर देखिए, भारत और रूस के बीच बड़ा समझौता हुआ है। पानसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी डील हुई है। अब हवा में तबाह हो जाएगा टारगेट, यानी ये सिस्टम दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को 20 किलोमीटर दूरी और 15 किलोमीटर ऊंचाई तक नष्ट करने में सक्षम होगा। भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर यह एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। अनावर महाराष्ट्र में बागियों पर सख्त हुई कांग्रेस, 28 उम्मीदवारों को बाहर का रास्ता दिखाया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रविवार को 7 और उम्मीदवारों को पार्टी से निलंबित किया था, और इसके बाद पार्टी अब तक 28 उम्मीदवारों को सस्पेंड कर चुकी है। जैसा कि आपको मालूम ही है, महाराष्ट्र चुनाव में बहुत नजदीक आ गए, और अब ऐसे समय में पार्टी ने बागियों के खिलाफ एक्शन लिया। चलिए बड़ी खबर देखिए, झारखंड में पहले चरण के लिए प्रचार थम गया। झारखंड में 13 नवंबर को मतदान होगा, पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया। साथ ही कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों, मध्य प्रदेश की 2, असम की 5, राजस्थान की 7 और केरल की चेलकारा विधानसभा सीट और वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, भोजन विवाद को लेकर एयर इंडिया ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली इस कंपनी ने कहा कि अब फ्लाइट में उड़ान के दौरान हिंदुओं और सिखों को हलाल खाना नहीं परोसा जाएगा। मुस्लिम मील अब कहलाएगी स्पेशल मील। स्पेशल मील का मतलब हलाल सर्टिफाइड मील रहेगा। दरअसल कुछ समय पहले मील का नाम मुस्लिम मील होने की वजह से विवाद हुआ था, और फिलहाल एयर इंडिया ने यह बड़ा फैसला ले लिया। साथ ही अपडेट खबर देखिए, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने बरसाई 165 से ज्यादा मिसाइलें। आयरन डोम भी फेल हो गया। अटैक रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी फेल हो गया, और हमले में कई इमारतें ध्वस्त होने की जानकारी सामने आई है। यानी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 165 से ज्यादा मिसाइलें बरसाई है। तनाव और युद्ध लगातार जारी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बैंक खाताधारकों के लिए आ रही है केवाईसी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 10 साल पुराने जनधन बैंक खातों में अब फिर से केवाईसी करानी पड़ेगी। वित्त सेवा सचिव ने बैंकों को इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। वित्तीय सेवा सचिव ने सोमवार को बैंकों को 10 साल पुराने जनधन खातों का नए सिरे से केवाईसी करने का निर्देश दिया है। आपको बताएं, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू की गई थी। अब इन खातों का 10 साल बाद फिर से केवाईसी होना है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। रिजर्व बैंक की 90 साल की यात्रा पर वेब सीरीज बनने वाली है। आरबीआई ने इस प्रोडक्शन हाउस को काम भी सौंप दिया है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में बदलेंगे शिक्षक भर्ती के नियम। यूजीसी फैकल्टी भर्ती नियमन का ड्राफ्ट ला रहा है। यानी यूजीसी जल्द ही कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भर्ती के नियमों में बदलाव के लिए ड्राफ्ट लाने वाला है, और इससे अब यूजी पीजी पीएचडी में अलग अलग विषय पढ़ने वाले अभ्यर्थी भी शिक्षक बन सकेंगे। और इसके साथ ही ड्राफ्ट में शोध पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई है। अनावर उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अक्टूबर से चल रहा है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस मामले की एक सुनवाई हुई है। इसके बाद से इस पर डेट लग रही है। फिलहाल अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई मंगलवार 12 नवंबर को होने वाली है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों के असंतोष पर अपना रुख स्पष्ट किया है। आयोग ने कहा कि पीसीएस प्री परीक्षा और आरओ एआरओ परीक्षा निर्धारित तारीखों पर ही आयोजित की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया कि वे भ्रामक जानकारियों से बचे और अपनी तैयारी पर ध्यान दें। आयोग ने अभ्यर्थियों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। अनावर विस्तारा अब इतिहास। एयर इंडिया अब देश की एकमात्र फुल सर्विस एयरलाइन हो गई है। यानी करीब 10 साल पुरानी एयरलाइन विस्तारा ने अलविदा कह दिया। विस्तारा भी अब एयर इंडिया के नाम से जानी पहचानी जाएगी। वहीं अमेरिका में शरण चाहने वाले भारतीयों की संख्या 855% बढ़ गई है। मतलब कि अमेरिका में शरण मांगने वाले भारतीयों की संख्या में पिछले 3 वर्षों में भारी वृद्धि देखी गई। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021 में 4,330 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में यह संख्या 41,330 हो गई है। वहीं भारतीय एजेंसियों के अधिकारियों का कहना है कि इनमें से लगभग आधे आवेदक
आपदा गुजरात से है। और बड़ी खबर आप देखिए, अब प्राकृतिक आपदा से पहले ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नासा और इसरो का एक शक्तिशाली सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए तैयार हो गया। इसरो और नासा के संयुक्त मिशन NISAR को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जानकारी दी और कहा कि साल 2025 की शुरुआत में वह निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। और ये दुनिया का सबसे ताकतवर सैटेलाइट होगा जो दुनिया भर में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की हलचल पर नजर रखेगा। यानी अंतरिक्ष में इस सैटेलाइट की तैनाती हो जाने के बाद ये सैटेलाइट भूकंप, बारिश, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बिजली गिरने से लेकर ज्वालामुखी विस्फोट और टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट तक पर नजर रखेगा। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं घटनाओं से पहले अलर्ट भी भेजेगा। इसे इसरो और नासा ने मिलकर तैयार किया है। और 30 दिन के लिए जेल से बाहर आसाराम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इलाज के लिए पैरोल मिली है। 11 साल में दूसरी बार पैरोल मिली। और हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा 6 शहरों में प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। अयोध्या, शिमला जैसे शहरों में 5500 रेजिडेंशियल प्लॉट डेवलप होंगे। रियल एस्टेट कंपनी द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा 6 नए शहरों में कारोबार का विस्तार कर रही है। इन शहरों में अमृतसर, वृंदावन, अयोध्या, शिमला, नागपुर और मुंबई से सटा खपोली एरिया शामिल है। चलिए बड़ी खबर देखिए, 4 धामों में बारिश और लैंडस्लाइड से 10 लाख श्रद्धालु इस बार कम पहुंचे हैं। केदारनाथ सड़क भी 1 महीने तक बंद रही। अब तक 46 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सर्दियों के लिए उत्तराखंड के 4 धामों में कपाट बंद होने लगे हैं। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पूरी हो चुकी है। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे और इस यात्रा का समय पूरा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अब तक 46,74,000 यात्री 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2 हफ्तों में नोटिफिकेशन, 8 हफ्तों में चुनाव प्रक्रिया पूरी करे सरकार। यानी पंजाब में लंबे समय से लटक रहे निकाय चुनाव अब जल्दी होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 नवंबर को पंजाब सरकार को कुल 10 हफ्तों में चुनाव करवाने को कहा है। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस तरह का अपडेट दिया है। लंबे समय से लटक रहे निकाय चुनाव अब जल्दी होने वाले हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने अधिकार पत्र में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को लागू करने का वादा किया है। साथ ही आरक्षण की सीमा बढ़ाने और सरना धर्म कोड लागू करने का प्रस्ताव भी किया है। 10 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया गया, किसानों को फ्री लोन मिलेगा और भी कई महत्वपूर्ण ऐलान घोषणा पत्र में किए गए, जैसे डोमिसाइल पॉलिसी और SC/ST OBC आरक्षण बढ़ाने का भी वादा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, हरियाणा में स्कूलों की टाइमिंग बदली। सिंगल शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से लगेंगे, डबल शिफ्ट में भी बदलाव। ठंड बढ़ने पर इस तरह का फैसला लिया गया। स्क्रीन पर आप और समय अपडेट देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में आज से 3 दिन चलेगा सत्र, प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र की पहली बैठक 25 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। हरियाणा विधानसभा का सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है और यह सत्र 13, 14 और 18 नवंबर को 3 दिन चलेगा। हरियाणा का बीटेक स्टूडेंट ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हार गया। घर से गहने बेचकर 1.25 लाख तो चुका दिए, वहीं अब चिट्ठी छोड़ भागा। इस तरह की खबरें बताने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को लेकर भी अलर्ट रहें। ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंसने की कई सारी ऐसी कहानियां, खबरें हम हर रोज पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, क्या कुछ घटनाएं हो जाती हैं, इसलिए पहले ही संभल लेना जरूरी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सूरत में 15 से 30 दिसंबर तक होगा फेस्टिवल, बीच फेस्टिवल को लेकर अपडेट है। सूरत के सुवाली के समुद्र तट पर 15 से 30 दिसंबर तक ये बीच फेस्टिवल होगा। वहीं देखिए, गुजरात से एक बड़ी हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली और करुणामय ये खबर आप देखिए। गुजरात में एक परिवार ने अपनी लक्की कार को कबाड़ में देने के बजाय दफनाने का फैसला किया और इसके लिए बकायदा एक बड़ी यात्रा निकाली गई। कार को फूलों से सजाया गया, डीजे और गाजे बाजे के साथ कार को खड्डे में दफनाने के लिए ले जाया गया। ये मामला गुजरात के अमरेली जिले के पडरसिंगा गांव का है। यहां पर एक किसान ने 7 नवंबर को इस अनोखे अंदाज में कार को विदाई दी। 10 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा किया गया और इस आयोजन पर 4 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा किया। दरअसल कार के जो मालिक है उन्होंने बताया कि मैं पिछले 10 साल से कार चला रहा हूं और साल 2014 में इसे सेकंड हैंड खरीदा था। कार खरीदने के बाद से उनकी माली हालत दिन ब दिन सुधरने लगी। गांव में खेती किसानी के साथ उनके व्यापार में भी दिन दुगुनी और चौगुनी प्रगति देखने को मिली। इस खबर पर आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उत्तराखंड से जुड़ी खबर देखिए, UPNL कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया, नियमितीकरण ना होने पर भारी विरोध भी जताया। चलिए बड़ी खबर है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई देखते हैं। शेयर मार्केट और उसके निवेशकों की अक्टूबर की शुरुआत से नींद उड़ी हुई है और ये नींद किसी और ने नहीं बल्कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने उड़ाई हुई है। दरअसल आपको बताएं, अक्टूबर से अब तक FII ने शेयर मार्केट से 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लिए, जिसका असर शेयर बाजार पर देखने को मिला है और शेयर बाजार निवेशकों को मोटा नुकसान हुआ। एक हफ्ते में 20,000 करोड़ रुपए निकाले, FPI से जुड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। और ट्रेडर्स के लिए एक बड़ी खबर है, UPI के जरिए भी आप शेयर की खरीद बिक्री कर पाएंगे। 1 फरवरी से नया नियम लागू होने वाला है। वहीं RBI ने एक और अपडेट दिया है, FPI सूचीबद्ध कंपनी में ऐसे रख सकेंगे 10% से अधिक हिस्सेदारी। RBI ने अपना एक नया फ्रेमवर्क लाया,
है। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, कारोबार फ्लैट रहा। सेंसेक्स 9 अंक की तेजी के साथ 19,496 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 6 अंकों की गिरावट रही और ये 24,141 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए बड़ी खबर देखिए, न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी डिजायर लॉन्च हो गई है। शुरुआती कीमत 6,19,000 रुपए। भारत की पहली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली सेडान कार। मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान डिजायर का न्यू जनरेशन मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। और इस बार इसकी सबसे खास बात रही, आपको बताएं ना, 5-स्टार रेटिंग इसको मिली है, यानी कार आपकी सेफ्टी को भी पूरा पूरा ख्याल रखेगी। और एयर इंडिया एक्सप्रेस पूरा करवाएगी हवाई यात्रा का सपना, सिर्फ 1444 रुपए में आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने फ्लैश सेल में फ्लाइट की कीमत 1444 रुपए से शुरू की है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन, 9 केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के सीएम सदस्य। वहीं देखिए आप, रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव से मिले प्रधानमंत्री मोदी, व्यापार और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। राजधानी दिल्ली में AQI 350 पार, गाड़ी के धुएं से जहरीली नहीं हो रही दिल्ली की हवा, इसके पीछे कुछ और ही वजह सामने आई है। राजधानी दिल्ली में हवा की दिशा और गति बदलने से प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव के आसार, राजधानी में आने वाले कुछ दिनों में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पहाड़ों पर बर्फबारी होने का भी अनुमान है। और SSC CHSL TR सेकंड परीक्षा 18 नवंबर 2024 को आयोजित की जाएगी और इसके लिए आज 12 नवंबर को एडमिट कार्ड जारी हो रहा है। दिल्ली में छात्रों को स्कूल जाने में आसानी रहेगी। सरकार ने 2 रूटों पर बस सेवा की शुरुआत की है। सरकार का कहना है कि इससे निर्णय का खास तौर पर वंचित इलाकों के लोगों और छात्रों को लाभान्वित करने के लिए किया गया है। और शराब की दुकानों और पबों में उम्र जांचने की क्या व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। उड़ीसा की महिला आयोग अध्यक्ष हटाई गई, सरकार ने आदेश जारी कर बड़ा फैसला लिया। यदि महिला किसी पुरुष के साथ होटल रूम में जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि शारीरिक संबंध बनाने की सहमति है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने फैसला दिया है। बड़ी खबर देखिए, उन्नाव से आ रही है, उत्तर प्रदेश से उन्नाव। शादी समारोह में जहरीला भोजन खाने से 300 लोग बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि खीर में मिले खोवा के नकली होने की आशंका है। खाना खाने के बाद सभी को उल्टी और दस्त होने लगे। डॉक्टरों का कहना है कि ये मामला फूड पॉइजनिंग से जुड़ा हो सकता है। बिहार टीचर से जुड़ी खबर आ रही है, सक्षमता पास शिक्षकों के लिए गुड न्यूज आई है। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया, यानी बिहार राज्य में शिक्षा की स्थिति में सुधार हो रहा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि BPSC द्वारा नए शिक्षक बहाल किए जा रहे हैं और अब सक्षमता पास शिक्षक सरकारी सेवक हो जाएंगे। वही देखिए, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन डेट 15 नवंबर तक बढ़ गई है। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 26 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए। राजधानी दिल्ली में 59 लाख पुराने वाहनों का पंजीकरण निरस्त, संकट में आए लोग। दिल्ली परिवहन विभाग ने 59 लाख पुराने वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है जहां लोग अपने पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलवा सके। फिलहाल ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। वहीं खबर है कि दिल्ली में पार्किंग के दाम बढ़ सकते हैं, MCD सदन में प्रस्ताव लाने वाला है। और तो और आप देखिए बड़ी खबर, 26 नवंबर को आएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के रिजल्ट, हाईकोर्ट ने सशर्त इजाजत दी है। दिल्ली सारथी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए, DMRC ने बाइक टैक्सी सेवा की शुरुआत की है, 10 रुपए में आप यात्रा कर पाएंगे। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को अब अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में DMRC ने बाइक टैक्सी शुरू की है। बाइक टैक्सी सेवा मौजूदा समय में 12 मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध है, यानी यात्री अब दिल्ली मेट्रो के आधिकारिक मोबाइल ऐप DMRC मोमेंटम दिल्ली सारथी 2.0 से अपनी बाइक और टैक्सी बुक कर पाएंगे। वहीं देखिए, जियो एयरटेल और वोडाफोन इंडिया की मुसीबतें बढ़ती हुई दिख रही है, स्टार लिंक का पलड़ा भारी हो सकता है। एलन मस्क के स्टार लिंक के लिए भारत में एंट्री की उम्मीद बढ़ गई है। और EPFO के तहत आने वाले एम्प्लॉय को मिलेगी खुशखबरी, न्यूनतम सैलरी में इजाफा हो सकता है। केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के तहत वेतन सीमा बढ़ा सकती है, साथ ही कर्मचारियों की संख्या सीमा भी घटाई जा सकती है। EPFO के तहत मौजूदा वेतन लिमिट जो है वो 15,000 रुपए प्रति महीने है और इसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत वेतन सीमा के अनुरूप 21,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। और गलती से भी गूगल पर सर्च मत करना, ये लाइन सब कुछ हैक हो जाएगा, चेतावनी जारी की गई है। साइबर अपराधी आम इंटरनेट यूजर्स को ठगने के लिए अब हर रोज नए नए तरीके खोज रहे हैं। अब ऐसी खबरें आ रही कि बदमाश जो लोग हैं ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जो इंटरनेट पर कुछ खास तरह के शब्दों को सर्च कर रहे हैं और इसके बाद जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर की मोबाइल की जो जानकारियां हैं वो उन बदमाशों तक पहुंच जाएगी और उन जानकारियों का वो मिसयूज कर सकते हैं। इसलिए आप बिना सोचे समझे कुछ भी क्लिक ना करें, कोई भी जानकारी ऑनलाइन शेयर ना करें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साइबर सिक्योरिटी कंपनी SOPHOS की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है। कंपनी का कहना है कि जो लोग गूगल पर आर बेंगल कैट्स लीगल इन ऑस्ट्रेलिया इस तरह से सर्च कर रहे हैं तो उनका कथित तौर पर डेटा, निजी डेटा जो है वो ऑनलाइन पोस्ट हो रहा है और ऐसा सर्च करने के बाद मिलने वाली पहली लिंक पर क्लिक करने से हो रहा है, इसलिए सावधान रहे। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, आयुष्मान कार्ड को लेकर CM योगी का बड़ा ऐलान, अब प्राइवेट अस्पताल में भी मुफ्त इलाज होगा, सरकार ने इस तरह का आश्वासन दिया। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने करोड़ों ग्राहकों को झटका दिया, FD पर ब्याज घटाया गया, नई दरें 11 नवंबर 2024 से लागू भी हो गई है। और अब रिटायर्ड पुलिस कर्मियों ने सरकार से की
देय राशि की मांग, मेडिकल बिलों का भुगतान करने की भी गुहार लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश मंडी से जुड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। अब हिमाचल प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों ने सरकार से उनके सभी ड्यूज यानी जो बाकी हैं उनको एकमुश्त जारी करने की मांग उठाई है। साथ ही पुलिस विभाग से उनके मेडिकल बिलों का जल्द भुगतान करने की भी गुहार लगाई गई है। और मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में व्यावहारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए नो बैग डे को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। यानी सरकारी स्कूलों में महीने के एक शनिवार को नो बैग डे रहेगा और बच्चों को स्कूल बिना बैग के ही आना होगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है और देखिए आप, अब बनेंगे चिप वाले जूते, पहनने वाले की लोकेशन का पता चल जाएगा, मोबाइल और लैपटॉप से भी आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई आ रही है। देश में आज के समय करोड़ों किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसान पति और पत्नी दोनों पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। अक्सर देश में कई किसानों का यह सवाल रहता है कि क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ एक परिवार में किसान पति और पत्नी दोनों लोग एक साथ ले सकते हैं। तो आपको बताएं कि एक परिवार में किसान पति और पत्नी दोनों लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ एक साथ नहीं ले सकते हैं। अगर पति पत्नी दोनों लोग एक साथ इस स्कीम में आवेदन करते हैं तो उनमें से किसी एक के आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ परिवार में केवल उसी सदस्य को मिलता है जिसके नाम पर कृषि भूमि रजिस्टर्ड है। देश में कई किसान सवाल कर रहे हैं कि सरकार कब तक योजना की 19वीं किस्त जारी कर रही है, तो इसको लेकर भी अपडेट आया कि फरवरी महीने में जारी हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से यह पैसा या किस्त कब मिलेगी इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में फरवरी का महीना बताया जा रहा है। और दिसंबर में लॉन्च होगी किया की ये नई गाड़ी। साउथ कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी किया भारतीय बाजार में जल्द एक नई एसयूवी को बाजार में लाने की तैयारी कर रही है। और बिहार के किस जिले में कब कब होगी अग्निवीर की भर्ती, फाइनल डेट जारी हो गई है। वेबसाइट ऑफिशियल है, उस पर आपको डिटेल मिल जाएगी। कश्मीर लद्दाख में सीजन की पहली बर्फबारी, ऐतिहासिक मुगल रोड बंद, स्की रिसोर्ट में पर्यटक उमड़े, कुछ दिन हल्की बर्फबारी का भी अनुमान है। कश्मीर घाटी के कई पहाड़ी और मैदानी इलाकों में सोमवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 15 और 16 नवंबर को फिर से मौसम बिगड़ सकता है। मंडी और बिलासपुर में धुंध का भी येलो अलर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। 11वीं क्लास के स्टूडेंट ने दो महिलाओं से 42 लाख रुपए ठग लिए, निवेश में ज्यादा मुनाफे का लालच दिया। राजस्थान अजमेर से जुड़ी खबर आ रही है। और राजस्थान में नवंबर के तीसरे सप्ताह में सर्दी बढ़ेगी, दिन के तापमान में गिरावट जारी, माउंट आबू में पारा 11 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं आप देखिए, बुजुर्ग महिला के पीछे घर में घुसा चोर गोल्ड चेन तोड़कर भाग गया। ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि किस तरह से ये चोर बैक ऑफ होकर घर में एंट्री करता है और जो माताजी वो जा रहे हैं उनकी चेन को छीना झपटी करके भाग जाता है। और महात्मा गांधी स्कूल में नियुक्ति को लेकर बोनस अंक अवैध, हाईकोर्ट ने बोनस अंक देने की शर्त को अवैध बताया है। राजस्थान के महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में नियुक्ति को लेकर बोनस अंक के प्रावधान को हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। राजस्थान से जुड़ी एक और खबर देखिए। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, ग्रेड 3 टीचर्स को 4 साल से प्रमोशन नहीं और वर्तमान में L1 के 8596 और L2 के 5855 पद खाली बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के संभाग और जिलों का बदलेगा नक्शा, निमोड़ को नया संभाग, 3 नए जिले बनाने की तैयारियां हो रही है। इंदौर में शामिल हो सकता है पीतमपुर, यानी मध्य प्रदेश का इंटरनल नक्शा एक बार फिर से बदल सकता है। खबर है कि राज्य के जिले और संभागों की सीमाएं एक बार फिर नए सिरे से तय की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए। दिवाली की लंबी छुट्टी के बाद एक बार फिर 12 नवंबर देव उठनी एकादशी यानी देव दीपावली पर इंदौर, रतलाम, सागर, बैतूल, भिंड, छिंदवाड़ा, सतना, मेहर और उमरिया जिले में स्कूलों में छुट्टी रहेगी। आदेश के अनुसार स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, मतलब सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई है। अलग अलग डीएम की ओर से आदेश जारी हो गए। वहीं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारियों का चरणबद्ध आंदोलन देखिए। नर्सिंग, पैरामेडिकल, संविदा कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए। डेंगू और चिकनगुनिया का 21 घरों में लार्वा मिला, मुरैना के 47 लोगों के खिलाफ चलनी कार्रवाई होगी। वहीं देखिए, कार शोरूम के ब्रांच मैनेजर की हार्ट अटैक से जान चली गई। जन्मदिन के दिन डॉक्टर की सलाह की समय समय पर चेकअप कराएं, हार्ट अटैक के मामले आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। वहीं देखिए, इंदौर में बिजली कंपनी ने लगाए 3,64,000 स्मार्ट मीटर, प्रदेश में अब तक 8,15,000 मीटर लग चुके हैं। वहीं इंडिगो एक्सप्रेस की इंदौर कोलकाता दूसरी डायरेक्ट फ्लाइट जल्दी होने वाली है, 10 दिसंबर से संचालन शुरू होगा। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की कमेटी बनाएगी 2047 विजन डॉक्यूमेंट का एक्शन प्लान, मुख्य सचिव अनुराग जैन निगरानी करेंगे। और लखनऊ में एलडीए कर रहा 300 प्रॉपर्टियों की नीलामी, होटल, ग्रुप हाउसिंग, मॉल, हॉस्पिटल खरीदने का मौका, ई ऑक्शन पोर्टल भी खोला गया है। और छत्तीसगढ़ में 16 से 20 नवंबर तक 25 ट्रेनें कैंसिल रहेगी, कुछ कार्यों के चलते अपडेट आ रहा है। और लखनऊ में फिल्म महोत्सव 16-17 नवंबर को होगा, अपनी अपनी कलाओं का युवा फिल्मकार प्रदर्शन करेंगे। वहीं देखिए, कार का शीशा तोड़कर अपराधियों ने 12 लाख रुपए उड़ा दिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक गाड़ी खड़ी कर शॉपिंग करने गए हुए थे, पेमेंट के लिए बैंक से निकाले गए थे रुपए, लेकिन बदमाशों ने कार का कांच फोड़कर वो पैसे चुरा लिए। वहीं देखिए, मोहाली में भी तेजी से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, बढ़ोतरी देखी जा रही है, अब तक डेंगू के कुल 1301 मामले दर्ज किए गए। वहीं देखिए, गेहूं से जुड़ी खबर। बिहार, जी हां, अब गेहूं से मालामाल हो जाएंगे
किसान भाई, सरकार ने MSP बढ़ाई है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 355 रुपए गिरकर 77,027 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में भी गिरावट है, 297 रुपए गिरकर 90,833 रुपए प्रति किलो के भाव पर रही। और आइए एक नजर डालते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सितारे आज का राशिफल। 12 नवंबर मंगलवार के ग्रह नक्षत्र हर्षण और सिद्धि योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों को बिजनेस में अच्छे मौके मिलने की संभावना है। कर्क राशि वालों के खास काम पूरे हो सकते हैं। कन्या राशि वालों की प्रॉपर्टी की डील हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। धनु राशि वालों को उपलब्धियां मिल सकती है। मकर राशि वालों को अचानक फायदा हो सकता है। कुंभ राशि वालों के दिन की शुरुआत सुखद होगी। इनकम सोर्स में सुधार होगा। मीन राशि वालों के कारोबार के रुके मामलों में तेजी आएगी। सरकारी कामों में भी सफलता मिलेगी। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। अना तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक का बटन और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। अना तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।